अस्सलाम वालेकुम माय माइजोरिटी फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे यू आर वाचिंग मुस्लिम व्लॉग्स आप लोग मुस्लिम व्लॉग्स देख रहे हैं और मुस्लिम व्लॉग्स में आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से वेलकम है और आपको पता है कि मेरे चैनल को ज़्यादातर जो है वो फ़ीमेल्स ही देखती हैं अच्छा जी आज आप लोगों के लिए गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी चीज़ है ग्लैस्ट्रीन जो है इसके कुछ आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ अच्छा ये ग्लैसरिन जो है वो हमारे जो सबसे बेस्ट तो हमारे लिए रहती है ना आपको पता है ये शुगर से मिलके बनी होती है तो इसमें थोड़ी सी मिठास वगैरह होती है अच्छा ये ना हमारे लिप्स के लिए हमारे फेस की स्किन के लिए हमारे हाथों के लिए हमारे पाँव के लिए इवन के पाँव के लिए भी पाँव की जो एड़ियाँ फटी हुई होती हैं उनके लिए भी हमारे जो लिप्स ड्राई हुए होते हैं और इस तरह से फटे हुए होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ग्लैसटिन को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए और इसे वक्ता फ़क्ता अपने फ़ेस पे हाथों पे पाँव पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए ठीक है और मैं तो कहती हूँ इसको आप अपने किचन में रखें जब आप लोग बर्तन वगैरह वॉश कर लें उसके बाद आप इसको अपने हेड्स हाँ, पर अप्लाई कर लें आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे ठीक है अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रेमेडी बताती हूँ कि जो कि हमारे घर में भी यूज़ की जाती है आप अड़के गुलाब ले लें रोज वाटर ले लें ले, साथ में आप ग्लैस्रीन ले लें ले, और साथ में आप जो है ना लेमन ले लें लेमन जूस आप इन तीनों को मिला के तो अपने फ्रिज में रख लें नीचे रखना है ऊपर नहीं रखना आप लोगों ने ठीक है तो क्योंकि वो फिर फ्रीज हो जाएगा अच्छा नीचे रखना है और वो मतलब ठंडा ठंडा ठंडक का एहसास भी होगा तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा भी फील होगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी रिंकल्स फ्री हो जाएगी रिंकल्स के लिए स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो आप लोग इसे ज़रूर यूज़ करें क्योंकि जैसे जैसे स्किन एज बढ़ती है तो स्किन पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप लोग ड्रेस्ट्रीन का इस्तेमाल करेंगी तो आप लोगों को इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे अच्छा जी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर ग्लास्ट्रीन में आप लोग कैस्ट्रो ऑयल शामिल कर लें तो आपको इसके डबल बेनिफिट्स मिलेंगे आपने करना क्या है कि थोड़ा आधी चम्मच आपने कैस्ट्रा ऑयल लेनी है क्योंकि आपको पता है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होती है और आधी चम्मच ग्लास्ट्रीन ले लें ले ले और आप इसको आ, मिक्स कर लें और उसके बाद आप मतलब उसके जो फ्यू ड्रॉप्स हैं ना वो वो आपके फेस के लिए काफ़ी होंगे नहीं तो फेस बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली चिकना चिकना हो जाएगा अच्छा आपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है और आपने हल्का हल्का जो है ना अपनी फिंगर्स से मसाज करना है मैं आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो ग्लास ट्रीन की मतलब यहाँ पे ना क्या कहते हैं मैंने कर्शी वालों की ली हुई है लेकिन आप कोई सी भी कंपनी की ले ले, ले सकती हैं इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रांड की यूज़ करें किस कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं हाँ लेकिन ज़्यादा लो भी नहीं जाना चाहिए आपको पता है फिर वो क्वालिटी भी लो हो जाती है ठीक है दरमिया इसी रेंज में आप बाय कर लिया करें और अच्छा जी अब हम वो बात कर रहे थे कि ग्लैसरीन जो है वो रिंकल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मैंने आप लोगों को ग्लासरीन और कैस्ट्रो ऑयल मिला के जो रेमेडी बताई है वो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ आप लोगों से गुजारिश करती चलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ अपनी कजन्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि उनको भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें ठीक है और जो क्लैसटीन है ना मतलब हमारी स्किन को इतना सॉफ्ट बना देती है ना कि आप लोगों को जो महंगी महंगी सीरम होते हैं ना जो यहाँ पे मैं वन टू थ्री जो है असल में आप लोगों को बता रही हूँ बेनिफिट्स ठीक है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अच्छा जो हम लोग महंगी महंगी सीरम शीट्स लेते हैं ना आजकल फेस शीट्स आई हुई हैं जिनके अंदर सीरम भरा हुआ होता है उनसे तो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को खर्चे में भी कम है और काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में ग्लैस्टिन के सेम आप लोगों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं ठीक है तो आप ग्लैस्टिन जरूर लें उसको अपनी आ, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हिस्सा बनाएं तो मिलती हूँ सो so गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करना म, बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से छोटी सी मोटिवेशन होती है ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ और कमेंट yeah. सेक्शन में ज़रूर आया करें मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है सो बाय टेक केयर एंड अलाफे बब बाय